Hello students, all of you welcome. We are studying the chapter number 7, energy flow in an ecosystem. In last video we had studied biogeochemical cycle. In that biogeochemical cycle we studied that biogeochemical cycles are of two types. One is gaseous cycle and sedimentary cycle. In the gaseous cycle, now you can see the heading, the carbon cycle. The carbon cycle is one of the important biogeochemical cycle. तो बच्चों आज हमें carbon cycle के बारे में पढ़ना है. तो इस वीडियो को आपको एंड तक अगर आप देखेंगे तो carbon cycle आप अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे. तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो. तो फिर शुरू करते हैं द कार्बन साइकिल. आगे समझ में, तो कार्बन हमें पता है, तो कार्बन क्या है? कार्बन इज द एलिमेंट जिसका सिंबल जो है वो है सी. सी ये कार्बन का सिंबल है. तो कार्बन साइकिल में क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला सबको पता है CO2. इसमें C रिप्रेजेंट्स फॉर द कार्बन. तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो किस में जाता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाता है. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स से कार्बन फिर किस में आता है? एटमॉस्फेयर के अंदर आता है. तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन गए तो यहां पे कार्बन का क्या होता है? सर्कुलेशन होता है. और लिविंग ऑर्गेनिज्म से एटमॉस्फेयर में फिर से कार्बन एटम आ गए तो इसका अर्थ क्या है कि यहां पे क्या हो रहा है? रिसाइकलिंग भी हो रही है. रिसाइकलिंग मीन्स कार्बन एटम जो है वो पुनरावृत्ति उसकी हो रही है. कार्बन एटम यहां पर फिर से तैयार हो रहे हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर से जो कार्बन एटम चले गए थे वो कार्बन एटम लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेथ होने के बाद फिर से एटमॉस्फेयर में आ गए. यहाँ पे कार्बन का सर्कुलेशन भी हो रहा है और रिसाइकलिंग भी यहाँ पे हो रही है. तो कार्बन साइकिल किसे कहेंगे? तो कार्बन साइकिल हम इसे कहते हैं द रिसाइकलिंग एंड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज बैक टू द एटमोस्फियर इज कॉल्ड एज कार्बन साइकिल. आ गया समझ में? द साइकिलिंग एंड द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ द कार्बन एटम्स फ्रॉम एटमोस्फियर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आफ्टर देयर बैक डेथ बैक टू द एटमोस्फियर इज कॉल्ड एज कार्बन साइकिल. अब इसमें क्या होता है? तो कार्बन जो है बायोटिक और अबायोटिक कार्बन, ये दो वर्ड आपको आएंगे. तो बायोटिक कार्बन किसे कहा जाएगा? बायोटिक कार्बन और अबायोटिक कार्बन. जो कार्बन एटम्स लिविंग थिंग्स के अंदर है, लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर है, उसे कहेंगे बायोटिक कार्बन. और अबायोटिक कार्बन कहा जाता है जो होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर. अब फॉर एग्जांपल देखिए, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो है नॉन लिविंग, दैट इज इट इज कॉल्ड एज अबायोटिक कार्बन एटम. और लिविंग थिंग्स के अंदर वही कार्बन एटम जाने के बाद क्या होता है? बायोटिक हो जाता है. तो उसे कहते हैं बायोटिक कार्बन एटम. तो कार्बन साइकिल में क्या होता है? अबायोटिक कार्बन एटम्स फ्रॉम ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिसाइकल एंड सर्कुलेटेड टू बायोटिक कार्बन एटम. क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन एटम है वो है अबायोटिक कार्बन एटम्स आर रिसाइकल एंड सर्कुलेटेड इनटू बायोटिक कार्बन एटम. आगे समझ में? यानी कि अबायोटिक कार्बन एटम का कन्वर्शन किसमें होता है? बायोटिक कार्बन एटम में. और बायोटिक कार्बन एटम का कन्वर्शन फिर से होता है अबायोटिक कार्बन एटम में. और इस रिसाइकलिंग की प्रोसेस कंटिन्यू चलती है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज कार्बन साइकिल. देयर ऑकर रिसाइकलिंग, रिसाइकल एंड सर्कुलेशन ऑफ कार्बन एटम. तो ये जो अबायोटिक कार्बन एटम का कन्वर्शन बायोटिक कार्बन एटम में और बायोटिक कार्बन एटम का कन्वर्शन अबायोटिक कार्बन एटम में जो होता है, इसके लिए दो प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल है. एक तो है फोटोसिंथेसिस और दूसरी है रेस्पिरेशन. अब देखिए, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से. तो
कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन एटम है वो कौन सा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें है अबायोटिक, अबायोटिक कार्बन एटम। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके प्लांट्स प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट, तो क्या तैयार करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जब तैयार करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट के अंदर तैयार हो रहा है तो इसके अंदर भी कार्बन एटम है C6, तो वो हो गया बायोटिक कार्बन एटम। अब जब रेस्पिरेशन जब होता है तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका कन्वर्शन कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की जो दो प्रोसेसेस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में बायोटिक का कन्वर्शन अबायोटिक और अबायोटिक का कन्वर्शन बायोटिक। अब देखिए प्लांट्स जो है, प्लांट्स जो है उसको खाने वाले कौन है, हर्बिवोरस एनिमल्स है, और हर्बिवोरस एनिमल्स को खाने वाले कार्निवोरस एनिमल्स है, एंड कार्निवोरस एनिमल्स आर कंज्यूम्ड बाय द अपेक्स कंज्यूमर्स। तो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्शन जो है उनके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के स्वरूप में हो जाता है, यानी कि बायोटिक कार्बन एटम यहाँ पे तैयार हुआ। तो यही बायोटिक कार्बन एटम्स कहाँ गया, हर्बिवोरस एनिमल्स में, वहां से कार्निवोरस में, और वहां से अपेक्स कंज्यूमर्स के अंदर जाता है। व्हेन ऑल द कंज्यूमर्स आर डाइड, जब ये सभी मर जाएंगे, आफ्टर देयर डेथ देयर डेड बॉडीज आर डिकम्पोज बाय द फंजाय एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फंजाय और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनका डिकम्पोजिशन करते, एंड आफ्टर द डिकम्पोजिशन द कार्बन इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू एटमोस्फियर। तो उनके बॉडी के अंदर जो कार्बन एटम है वो एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आ जाता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है अबायोटिक है, प्लांट्स के अंदर जब जाएगा कार्बन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ये बायोटिक होता है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि दिस बायोटिक कार्बन इज सर्कुलेटेड फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बायोटिक कार्बन एटम जाता है, और जब वो मर जाते हैं आफ्टर देयर डेथ दिस बायोटिक कार्बन एटम इज कन्वर्ट इनटू द अबायोटिक कार्बन एटम एंड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फ्रॉम हियर द लिविंग थिंग अगेन टेक अप दिस कार्बन एटम एंड दिस इज द कार्बन साइकिल। तब यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स टेक द कार्बन डाइऑक्साइड and along with the water, with the help of sunlight and chlorophyll, they produces the food material in the form of carbohydrate. The carbohydrate के स्वरूप में वो उनका food तैयार करते हैं, तो जिसके अंदर क्या है, carbon है, ये carbon है abiotic, और living things के अंदर इसका हो गया biotic form में। आ गया समझ में, यानी कि abiotic atmosphere का carbon dioxide यहाँ पे आ गया living things और वो हो गया biotic। जब कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट इज अ फूड प्रोड्यूस बाय द प्लांट, तो प्लांट्स को खाने वाले हर्बिवोरस एनिमल्स है उसको कार्निवोरस और कंज्यूमर, तो इनके बॉडी के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स चला गया। तो कार्बोहाइड्रेट जब इनके बॉडी के अंदर चला जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका डाइजेशन हो जाएगा, और डाइजेशन होने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट्स आता है सेल के अंदर, और सेल के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट आता है तो उनका उस कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, तो इस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। और फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। उसे क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हम बाहर से हवा हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है ज़्यादा मात्रा में, और वही ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होता है लंग्स के अंदर, और लंग्स से फिर वो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के अंदर, और ब्लड से फिर पहुंचता है हमारे सेल के अंदर, और सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन की सेकेंड स्टेप होती है जिसे कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, तो वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स आया था, कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीजन के साथ कंबशन होने के बाद वहां पे क्या तैयार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो तैयार होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर नहीं जमा रहता क्योंकि ये वेस्ट मैटर है, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल आउट ऑफ द बॉडी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकल के आता है व्हेन वी एक्सपेल द एयर।
जब हम हवा बाहर छोड़ते, इंस्पिरेशन यानी अंदर लेना और एक्सपिरेशन यानी बाहर छोड़ना, जब हम इस हवा को बाहर छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आएगा। तो यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर कहाँ पे जाएगा, एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से इसे कौन एब्सॉर्ब करेगा, प्लांट। तो दिस प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ कार्बन एटम आर कंटिन्यूअसली टेकन प्लेस इन द एटमॉस्फेयर एंड इन The living organism। तो आपको कार्बन साइकिल यहाँ पे समझ में आई होगी। तो प्लांट्स जो है, प्लांट टेक्स प्लेस अ की रोल इन मेंटेनिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उनका बैलेंस करने के लिए जो है प्लांट मेन रोल अदा करते। तो यहाँ पे देखिए प्लांट्स ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को रिलीज किया और उसी ऑक्सीजन को एनिमल्स में क्या किया, रेस्पिरेशन में लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा। तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन मेंटेन रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में सिर्फ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही बाहर नहीं निकलता, बाकी की प्रोसेस जो उसमें से भी बाहर निकलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फैक्ट्री से भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। देन यहाँ पे बायोटिक कार्बन, बायोटिक कार्बन का अर्थ क्या है, प्लांट्स ने यहाँ पे फूड तैयार किया है तो अबायोटिक कार्बन का कन्वर्शन बायोटिक में हो गए। प्लांट और एनिमल जब दोनों रेस्पिरेशन करते हैं तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं और मोस्टली रात के समय में, ड्यूरिंग द नाइट टाइम दे रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब ये जो सभी लिविंग थिंग जब मर जाएंगे तो मरने के बाद उनका डिकम्पोजिशन होता है। तो डिकम्पोजिशन होने के बाद कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आता है और कुछ प्लांट और एनिमल वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हमारे जमीन के अंदर जब गाड़े जाते हैं तो उनके बॉडी से जब क्या होता है, उनके बॉडी के अंदर जो कार्बन है उनका कन्वर्शन किस में होता है, फॉसिल फ्यूल्स में होता है। दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन साइकिल। अब कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर हमें पता होना जरूरी है। अब पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द कार्बन साइकिल इज वेरी इफेक्टिव इन टेम्परेट रीजन, व्हाई इट इज सो। टेम्परेट रीजन में जो है वो कार्बन साइकिल ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो इसका रीजन क्या है। तो टेम्परेट रीजन क्या है ये आपको पता होना जरूरी है। टेम्परेट रीजन मीन्स इट इज द रीजन ऑन द अर्थ, अर्थ पे ऐसा एरिया है होता है कि जहाँ पे क्लाइमेट मॉडरेट होता है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा भी नहीं होता और कम भी नहीं होता, यानी कि इट इज़ नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कूल। तो ऐसा जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो है फास्ट होती है और अच्छी तरह से होती है। और जब बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस फास्ट होगी तो वहाँ पे कार्बन साइकिल जो है वो भी क्या होगी, इफेक्टिव होती है। तो टेम्परेट रीजन किसे कहते हैं और टेम्परेट रीजन कहाँ कहाँ पे है ये सब मैंने आपको लिख के दिया है। अब देखिए द टेम्परेट रीजन इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच हैज मॉडरेट क्लाइमेट, मीन्स not too hot and not too cold, so this region is suitable for biological and biochemical processes, hence carbon cycle is most effective in temperate region। तो temperate region कहाँ पाया जाता है, temperate region found in between tropics and polar region of the earth। तो यहाँ पे temperate region, north temperate region कहाँ पे है, यूरोप, नॉर्दर्न अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, और साउथ टेम्परेट रीजन जो है, साउथ हमारा अर्थ का जो साउथ पार्ट है वहाँ पे है साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, साउदर्न साउथ अमेरिका एंड साउदर्न अमेरिका, यहाँ पे हमें टेम्परेट रीजन पाए जाते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में अब देखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिखा है, इवन दो द कार्बन कंटेंट ऑन द अर्थ इज कॉन्स्टेंट, व्हाई देयर इज राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कंटेंट जो अर्थ पे है वो कॉन्स्टेंट है क्योंकि ड्यू टू कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल जो नेचुरल है, कार्बन साइकिल ये नेचुरल है और इस नेचुरल साइकिल की वजह से कार्बन का प्रोपोर्शन जो है हमारे अर्थ पे कॉन्स्टेंट रहता है। बट व्हाई देयर इज राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर में इंक्रीज, टेम्परेचर क्यों बढ़ते रहता है। तो यहाँ पे पहले हमें देखना है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है। जब हमें सोलर एनर्जी सन से प्राप्त होती है, सनलाइट जब हमारे अर्थ पे आता है, अर्थ पे आने के बाद अर्थ सरफेस पे वो गिरेगा, अर्थ सरफेस के गिरने के बाद उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये रिफ्लेक्टेड सनरेज जो है उसको एब्सॉर्ब करता है, यानी कि इस सनरेज को
स्पेस में नहीं जाने देता। इसी वजह से एनर्जी फ्लो वन वे भी है, तो जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो वार्म रहता है, यानी कि गर्म रहता है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी वजह से हमारे टेम्परेचर, हमारे अर्थ का टेम्परेचर वार्म रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता तो फिर क्या होता, हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम रहता। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। बट व्हाट हैपन्स ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन बीइंग क्या करता है इस साइकिल के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। क्या इंटरफेयर कर रहा है? इट कैन यूजेस द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल यूज करता है, कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन गाड़ियां चलाता है, तो उसकी वजह से ज्यादा धुआं बाहर निकलता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ह्यूमन बीइंग ने किया है, तो इंडस्ट्री में से जो गैसेस बाहर निकलते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ेगी तो ज्यादा सनरेज जो है, रिफ्लेक्टेड सनलाइट जो है वो ज्यादा एब्सॉर्ब होंगे। अब जब ज्यादा सनरेज एब्सॉर्ब होंगे तो अर्थ का टेम्परेचर भी उसी तरह से बढ़ते रहेगा। तो आ गया समझ में कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर के बारे में क्या रिलेशन है, ये आपको समझ में आएगा। नेचुरल प्रोसेस से अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन मेंटेन रहता है, तो जितना सनलाइट जो है एब्सॉर्ब करना चाहिए उतना सनलाइट एब्सॉर्ब करते, बाकी के सनरेज जो है वो एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोपोर्शन बढ़ने की वजह से जो सोलर एनर्जी वो ट्रैप ही होती रहती है और उसकी वजह से टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ता है। तो इसका आंसर देखिए, इट इज मेनली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल, रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेस इन एटमोस्फियर इंक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फियर, हेंस देयर इज राइज इन टेम्परेचर इवन दो द कार्बन कंटेंट ऑन द अर्थ इज कॉन्स्टेंट। अब दूसरा सवाल जो है वो इससे ही जुड़ा हुआ है, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कार्बन इन एयर एंड राइज इन एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। हवा में जो कार्बन है उसका और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? इसका आंसर पहले आंसर में ही छिपा हुआ है। तो क्या रिलेशन है उसके बीच में? कार्बन इन एयर इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें ही कार्बन है। देयरफॉर व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन गोज अप टेम्परेचर इंक्रीजेस। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ता है। एंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन गोज डाउन टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन बढ़ गया तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी उसे कहा जाता है। तो वहां हमारे अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा न बढ़े इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर। अगर एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट अगर कॉन्स्टेंट रहा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे हार्मफुल जो इफेक्ट है इसका हमें परिणाम नहीं देखना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द कम्प्लीट वीडियो एंड आशा करता हूँ कि आप सबको कार्बन साइकिल जो है वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।